ओके सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे नए लाइट की। और ये लाइट है ओसा का 10 इंच एलईडी रिंग लाइट और ये हमारे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में काम में आएगा। जो फ्यूचर में जो अनबॉक्सिंग वीडियोस हम पोस्ट करेंगे उस वीडियोस के अंदर बहुत अच्छा लाइट ये प्रोवाइड करेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमको क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए फटाफट इस बॉक्स को हम अनबॉक्स करके इसके कंटेंट्स देखते हो। सबसे पहले मैं आप सबको इसकी जो प्राइसिंग है वो बोलता हूँ। तो इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है 1650 रुपीज़ से। तो आपको ये थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस देखने को मिल जाएगा, कभी कभी ये 1700-1800 भी होता है और कभी कभी ये 1500-1600 भी होता है। तो मैंने जो परचेस किया ये प्राइस, वो मुझे आप बोल सकते हैं कि बीच वाला जो प्राइस है वो देखने को मिल गया, तो मैं खुश हूँ इस प्राइस से। तो फटाफट इसको हम काटते हैं। सो गाइस, यहाँ से इस लाइट के साथ हमको जो स्टैंड है वो भी एक साथ देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये है लाइट का जो स्टैंड है और इस स्टैंड की जो हाइट है वो है 9 फीट। तो ये 9 फीट लंबा है, तो कितना लंबा है वो हम आपको वीडियो के अंदर आगे दिखाएंगे। और लाइट की जो क्वालिटी है वो कैसी है वो भी हम इस वीडियो के अंदर पूरा टेस्टिंग करके आपको बोलेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक थोड़ा सा देख लीजिए। सो गाइस, ये है हमारा रिंग लाइट का जो बॉक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओसा का डिजिटल की ब्रांडिंग है, मेड इन इंडिया है। तो कितना मेड इन इंडिया ये तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन लिखा है तो अच्छा है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं जो कि ड्यूरेबल एंड मल्टी यूसेज, हाई CRI फॉर ट्रू कलर्स वगैरह, तो ये सब हम अभी देखेंगे नहीं। और यहाँ पे एक पिक्चर है इस लाइट का और पीछे कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग से फीचर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस लाइट को एक्चुअली इस लाइट को चलाने का दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है USB के थ्रू और दूसरा रास्ता है बैटरी के थ्रू। तो अगर आप सबसे पहले रास्ते को चूज़ करते हैं यानी कि USB से इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाएगा वो है 15 वाट्स का। और अगर आप इसको बैटरी के थ्रू चलाते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर 25 वाट्स का देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके साथ जो बैटरी आता है कि नहीं ये तो अनबॉक्स करने के बाद पता चलेगा। उस बैटरी के साथ आप इसको चलाएं तो आपको ज़्यादा जो आउटपुट है, जो पावर है वो देखने को मिल जाएगा। गाइज, आप देख सकते हैं ये कुछ फ़ोन नंबर वगैरह है जो हमको कोई ज़रूरत है नहीं, हम अपने गर्लफ्रेंड को कॉल कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे ओसा का डिजिटल का एक यूज़र मैनुअल है, इसको आप रख सकते हैं, बाद में अगर आपको कोई परेशानी आए तो इसको आप देख के इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है उसको फिर से देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपको ये चलाना है। और ये एक माउंट है जिसके अंदर आप अपने कैमरा को, DSLR कैमरा को या फिर मोबाइल को यहाँ पे माउंट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी यूज़फुल है। और ये वाला जो चीज़ है वो मोबाइल का माउंट है जो कि इसके साथ ही आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप डायरेक्टली मोबाइल को यहाँ पे अटैच करके इस वाले माउंट के अंदर इसको ऐसे लगा के डायरेक्टली मोबाइल को इस रिंग लाइट के बीच से यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो अंतिम कंटेंट है ये शायद DSLR का माउंट है अगेन। जी हाँ, ये कैमरा का माउंट है, यहाँ से कैमरा आएगा और ये वाला जो पार्ट है वो अगेन इस वाले माउंट के अंदर जाएगा और ये जाएगा रिंग लाइट के स्टैंड के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और ये है हमारा मेन कंटेंट जो कि ये है हमारा रिंग लाइट। तो देखने में तो काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो मैं बोलूँगा कि जी हाँ 1650 रुपीज़ के हिसाब से तो डिसेंट है और फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और नीचे से भी स्क्रू वगैरह है, माउंट वगैरह है। और यहाँ से हमको चार जो बटन्स है वो देखने को मिलता है, शायद यहाँ से हम जो इसका आउटपुट है, जो पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये कुछ है जो मैं आप सबको इसके टेस्टिंग के टाइम में दिखाऊँगा। और यहाँ पर ओसाका की ब्रांडिंग है और यहाँ पर एक माउंट है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक माउंट है जहाँ पर आप अपने कैमरा वगैरह को माउंट करके इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे इसके साथ आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली USB पोर्ट के साथ आता है, तो USB के साथ आप इसको अपना जो मोबाइल चार्जर है उसके थ्रू आप इसको डायरेक्टली पावर कर पाएंगे। और जी हाँ, यही कुछ थी इस बॉक्स के अंदर। और उसके बाद ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके सो यहाँ पे जो अंतिम कंटेंट है उसको हम अनबॉक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LS250 का ब्रांडिंग है, तो इसका मीनिंग क्या है वो मुझे एक्चुअली पता नहीं है। और यहाँ पे ये लोगो क्या है, शायद ये
गूगल क्रोम का लोगो है, तो शायद गूगल क्रोम ने इसको स्पॉन्सर किया है, तो क्या किया है उन लोगों को ही पता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग से एक ब्रांडिंग है जो कि है सोनिया, तो शायद सोनिया ने हमको ये भेजा है, तो मच लव टू सोनिया। और यहाँ पे इसकी जो पिक्चर है, एक शॉर्ट पिक्चर आप देख सकते हैं। तो जी हाँ, टाइम पास बहुत हो गया, अभी जल्दी से इसको हम करेंगे अनबॉक्स। तो यहाँ से आएगा ये बाहर, ओके। सो ये आप देख सकते हैं मेरा जो पर्दा है वो भी काला है, बहुत मैला है, और ये जो ट्राइपॉड है वो भी पूरा काला है, तो शायद इसलिए आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो फिर भी आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए देखने की, ये वाला ट्राइपॉड आपको ऐसा टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है वो प्लास्टिक का है, ये वाला जो पार्ट है वो सिर्फ प्लास्टिक का है, और ये वाला जो पूरा जो स्टैंड है वो मेटल से कंस्ट्रक्टेड है। और भाई इतना हैवी मेटल है, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया इससे। और इतना ईजिली ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर आप एक पूरा जो हॉलीवुड का जो सिनेमा रिकॉर्ड होता है वो वाला कैमरा भी अगर इसके अंदर आप माउंट करेंगे तो फिर भी ये टूटेगा नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ये ट्राइपॉड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी होगा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इससे, और आपको डेफिनेटली ये वाला ट्राइपॉड रिकमेंड करूँगा। सो गाइस, फटाफट इस एलईडी रिंग लाइट की एक छोटी सी टेस्टिंग करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे इस पूरे रूम के अंदर अभी बस एक लाइट जल रहा है, जो कि ये वाला ऊपर वाला आप लाइट देख सकते हैं, बस एक ही लाइट जल रहा है। और इसकी जो वाट है, जो पावर है, वो है 18 वाट का। तो यहाँ पे 18 वाट का एक लाइट अभी जल रहा है, और आप देख सकते हैं कि सामने का जो पर्दा है वहाँ पे कैसा टाइप का लाइट आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी इस ऊपर वाले 18 वाट के लाइट को हम ऑफ करेंगे, तो इस एलईडी रिंग लाइट को अभी हम जलाएंगे यूएसबी के थ्रू, और यूएसबी के थ्रू ये 15 वाट्स में जलता है। तो 15 वाट्स वर्सेस 18 वाट्स, अभी हम देखेंगे कि कैसा कंपैरिजन होता है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं अभी कैसा टाइप का लाइट है। तो तीन गिनते ही मैं अभी इस लाइट को ऑफ करके जलाऊंगा इस लाइट को। सो 3 2 1। तो गाइज यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि कैसा टाइप का लाइट आपको देखने को मिलता है इस रिंग लाइट के थ्रू। तो यहाँ पे मैं आप सबको कैमरा का जो एंगल है वो थोड़ा सा घुमा के भी दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ऐसा टाइप का जो लाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और सामने से देखने से तो आपको कुछ पता चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी फॉर रेफरेंस मैं आप सबको शो कर रहा हूँ। और ये है इसका स्टैंड, और जी हाँ, ऐसा टाइप का लाइट आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर मेरी ओपिनियन आप पूछे तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि आपको जो लाइट देखने को मिलता है स्पेशली यूएसबी के थ्रू, वो तो मतलब ठीक ठाक है, डिसेंट सी है। और आप जी हाँ, अगर इस लाइट के साथ शूट करना चाहते हैं तो आप टिकटॉक वीडियो वगैरह, स्नैक वीडियो वगैरह शूट कर पाएंगे, लेकिन YouTube वीडियोस के लिए आई एम नॉट श्योर कि सिर्फ और सिर्फ इस लाइट के साथ आप शूट कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपके रूम के अंदर एक दो और लाइट होंगी, जो कि डेफिनेटली हर एक रूम के अंदर होती है लाइट, तो उसके साथ डेफिनेटली ये जो लाइट है उसके साथ आप शूट कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ पूरे अंधेरे रूम के अंदर सिर्फ इस लाइट के साथ अगर आप शूट करना चाहते हैं यूट्यूब वीडियोज, तो शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। और गाइज, और एक चीज़ मैं आप सबको दिखा दूँ कि यहाँ पर बहुत सारे स्विचेज है, बटन्स है, जिसके थ्रू आप इसके जो रिंग लाइट के जो फंक्शन है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है, और शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और यहाँ पे जो ये वाला माइनस वाला बटन है, इससे आप इसकी जो लाइट है, इसकी जो पावर है, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। और जी आप देख सकते हैं पावर कैसे डिक्रीज होता है। और यहाँ पे और एक प्लस वाला बटन है, जिसके थ्रू आप इसके जो लाइट है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और बीच में और एक बटन है, जिसके माध्यम से आप इसका जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एक वाइट कलर का कूल टेम्परेचर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे करके आप थोड़ा सा वार्म टिंट आप दे सकते हैं इसके लाइट में। तो यहाँ पे तीन टेम्परेचर्स एडजस्ट कर सकते हैं आप इस रिंग लाइट के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी एक चीज़ है जो कि हम यहाँ पे इस लाइट के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं आप अपने शूटिंग कंडीशंस के हिसाब से इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइज, ओवरऑल ये जो पूरा रिंग लाइट है इस स्टैंड सेटअप के साथ, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और मैं इसको ओवरऑल 4 स्टार्स देना चाहूँगा आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो मैं अभी फटाफट अमेजोन पर जाऊँगा और इसको रेटिंग दे दूँगा।